हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये डिस्कस कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता। तो अभी हमने पिछले ब्लॉग में डिस्कस करा था अबैटमेंट, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले थे कॉन्स्पिरेसी, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि आज है संडे। तो जैसा कि आपको पता है, संडे को हम एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं भारतीय न्याय संहिता से हटके। तो आज हम डिस्कस करेंगे, वो है केस पोक्सो एक्ट के तहत और इंडियन पेनल कोड के तहत केस जो मैंने पूरा कंडक्ट किया है, और इसमें जो अक्यूज्ड था वो बरी हो गया था। रेप का केस है ये और पोक्सो का केस है, अक्यूज्ड इसमें बरी हो गया था। तो उसके बाद ही मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने इस केस में क्या क्या किया था। तो मैंने इसमें क्या किया था, क्या डिफेंस लिया था, ये सारी चीजें जानने के लिए आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। पूरा ब्लॉग देखिए तभी आपको समझ आएगा पूरा केस। तो पहले मैं आपको बता दूं केस किस किस सेक्शन में था। तो ये था सेक्शन 376 क्लॉज 2 एंड सेक्शन 506 ए बी क्लॉज 2 आईपीसी के तहत था ये, जो इसमें सेक्शन जो लगी थी। अगर डिटेल में डिस्कस करूं तो इसमें 2F, सेक्शन 376 2F और 506 आईपीसी, और पोक्सो की लगी थी सेक्शन 5 N पोक्सो एक्ट। पोक्सो का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये एक्ट बना था 2012 में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये पोक्सो वाला केस पूरा फुल डिटेल के साथ, और चार्ज से लेके फैक्ट्स से लेके चार्ज और आर्गुमेंट और एविडेंस सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि केस के फैक्ट्स जो हैं वो क्या थे। केस के फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। आपको सेक्शन मैंने बता दिया, आपको 376 मोटा मोटा याद रखिए चाहे आप, और 506, 376 जो है सेक्शन उसमें रेप है, और जो 506 है उसमें है जान से मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी। और जो सेक्शन पोक्सो का लगा हुआ 5N, तो वो है मतलब नाबालिग या बच्चे के साथ, छोटी बच्ची जो एज से 18 साल से कम है उसके साथ रेप का सेक्शन है ये 5N। तो अब हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्स। इसमें हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे किसी का नाम, ना ही जगह का डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन जो विक्टिम है उसको हम लिख देते हैं बी। ये विक्टिम है और ये अक्यूज्ड है। तो जो फैक्ट्स हैं केस के क्या हैं, ये जो विक्टिम है 18 साल से नीचे है, अप्रोक्सीमेटली 15-16 साल के बीच में इसकी एज हो सकती है, और ये जो है ये 18 साल से ऊपर है और लगभग 22 साल से नीचे यानी 20 साल के करीब इसकी उम्र है। तो ये दोनों जो हैं आस पड़ोस में रहने वाले हैं, मतलब दोनों के घर साथ साथ ही हैं, और दोनों की जमीन भी साथ साथ ही है, घर भी साथ साथ ही हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। चाहे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये चाचे ताए या इस तरह के कुछ इनके रिलेशन भी हैं आपस में। तो जो केस था वो ये था कि जो विक्टिम है उसके साथ, विक्टिम के साथ इसने रेप किया 2 बार। एक बार रेप किया, दूसरी बार कोशिश की रेप करने की। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्कूल में पढ़ती है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम इसने इसके साथ रेप किया
फर्स्ट टाइम, तो इसने किसी को नहीं बताया, विक्टिम ने किसी को नहीं बताया अपने घर में। और सेकंड टाइम जब इसने अटेम्प्ट किया, तो विक्टिम ने मदर को, अपनी माता को बता दिया कि ए ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है इस डेट को, चाहे आप कोई भी डेट मान लें, कोई भी महीना मान लें, इस डेट को रेप करने की मेरे साथ कोशिश की है। और जब स्टोरी है प्रोसिक्यूशन की, उसी तरह से है कि जब उसकी माता घर आती है काम से, तो वो कुछ परप्लेक्स्ड डरी हुई थी, तो माता उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि ऐसा, ये जो है, जो उसके चाचे या ताए का लड़का है, उसने उसके साथ रेप किया है। और कहाँ किया है, जो इनका एंसेस्ट्रल जो हाउस है उसमें रेप किया है। इसमें इतने सारे कमरे हैं, इसमें दादा दादी भी रहते हैं इनके, और जो ग्रैंड पेरेंट्स वो भी रहते हैं, और सबको, जो जितने भी भाई थे इसके, चाचे ताए थे, इन सबको इसमें कमरे मिले हुए हैं, थे, इनका भी हिस्सा था। तो वहाँ इसके साथ जब ये वहाँ अपनी बुक्स लेने गई थी, तो ये पढ़ रहा था, तो इसने इसके साथ रेप किया। ये था प्रोसिक्यूशन की स्टोरी। इसके बाद क्या होता है, FIR हो जाती है बी के द्वारा ए के अगेंस्ट, किन किन सेक्शनों में, सेक्शन 376, 2F, IPC एंड 506(2) IPC, जो है रेप और धमकी के, और अंडर सेक्शन पोक्सो, मतलब जो विक्टिम है वो चाइल्ड है, 18 साल से नीचे है, तो इसलिए पोक्सो के तहत केस दर्ज हो जाता है। FIR होने के बाद फिर पुलिस हरकत में आती है, स्पॉट विजिट करती है, नक्शा मौका तैयार करती है, इन्वेस्टिगेशन IO जो है वो करता है मौका पर जाके, और गवाहों के बयान दर्ज करके, नक्शा मौका बना के, सारी चीज़ें, विक्टिम का मेडिकल करा के, और जो अक्यूज्ड है उसका भी मेडिकल होता है, और जो उनके सैंपल लिए हैं उनकी रिपोर्ट भी आ जाती है, उसके बाद जो है चलान कोर्ट में पेश होता है। और जब कोर्ट में चलान पेश होता है, तो जो फॉर्मेलिटी कोर्ट की है वो पूरी होती है, और जैसे ही FIR होती है ए पर, बी द्वारा अक्यूज्ड पर, तो ए जो है अरेस्ट हो जाता है, और ये पुलिस कस्टडी में ही, जुडिशियल कस्टडी में ही तब से चल रहा है, क्योंकि इसकी बेल नहीं हुई थी, क्योंकि जो एलिगेशन है ना रेप के, वो बहुत ही खतरनाक हैं, और मॉरल टर्पिट्यूड के, तो उस हिसाब से बेल इसको कहीं भी नहीं मिलती है, ना हाई कोर्ट से मिली, ना सेशन कोर्ट से, ना स्पेशल कोर्ट से बेल मिली। तो फिर चार्ज फ्रेम हो जाता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है वो एविडेंस होती है। तो एविडेंस में पहले जो है, सबसे पहले क्रॉस एग्जामिनेशन होता है विक्टिम का। तो जैसा कि आप जानते हैं, विक्टिम आएगी, इसकी जो प्रोसीडिंग है वो कोर्ट में चलती कैसे है, कैमरा प्रोसीडिंग होती है, यानी सीक्रेट प्रोसीडिंग होती है। इसमें कोई ज़्यादा एक्सेप्ट, जो डिफेंस काउंसिल है उसके अलावा कोई अंदर कोर्ट में हो नहीं सकता, और जो प्रोसिक्यूशन का जो PP है, SPP स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो ही अंदर होते हैं, उनके अलावा ज़्यादा, और जज साहब होते हैं, और स्टैनो होएगा, रीडर होएगा, इनके अलावा कोई ज़्यादा भीड़ नहीं होती, क्योंकि जो विक्टिम है, चाइल्ड है, वो डरे ना, और जो अक्यूज्ड है उसको विक्टिम के सामने खड़ा नहीं किया जाता है, विटनेस बॉक्स के आसपास, उसको पर्दे के पीछे, ऐसा स्पॉट कोर्ट में बनता है कि वो पीछे जो स्टेटमेंट ये दे रही है वो सुनता रहे, लेकिन जो विक्टिम है उसको अक्यूज्ड नजर नहीं आना चाहिए। तो अब आप थोड़ा सोचिए, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन है, हमने करना है, तो हम क्या डिफेंस लेंगे,
ये आप सोचिए कि जरा जोर डालिए दिमाग पर, क्या डिफेंस, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये विक्टिम स्कूल में पढ़ती है, इसने 2 स्पेशल दिन बताए हैं कि इन दिनों को इसके साथ है, एक दिन रेप हुआ दूसरे दिन अटेम्प्ट हुआ। जब रेप हुआ तो उसने बताया नहीं, जब अटेम्प्ट हुआ तो ये बता रही है। तो ये जो अक्यूज है तो घर में रहता है। अब आप सोचिए हमें क्या डिफेंस इसमें लेना चाहिए, थोड़ा जोर डालिए दिमाग पर। कसरत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि विक्टिम का मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी, उसकी स्टेटमेंट भी मैं आपको बता दूंगा, यही बयान है इसका। दोस्तों तो पता नहीं आपने क्या सोचा होगा, लेकिन जो मैंने इसमें डिफेंस तैयार किया था, जैसे कि इसकी स्टेटमेंट थी विक्टिम की फर्स्ट टाइम दिन के समय गर्मियों के मौसम में ए ने बी के साथ लगभग 12 बजे रेप किया कमरे में जो कि पुराना घर था, तो और दूसरी बार भी 10-15 दिन बाद फिर से इसने अटेम्प्ट किया। तो जो मैंने क्या किया इस केस में, सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने जो इसने दिन बताए थे विक्टिम ने, वो दिन देखे कि कौन कौन सा डे है उस दिन, सबसे पहले मैंने ये किया। फिर डेज देखने के बाद मैंने देखा कि जो दिन इसने बताए वो दोनों वर्किंग डे हैं, और स्कूल भी, क्योंकि स्कूल में पढ़ती थी तो स्कूल भी उन दोनों दिन खुले हैं, क्योंकि जो इसने बोला जो इसके साथ रेप और अटेम्प्ट टू रेप के 2 इंसिडेंट हुए वो वर्किंग टाइम में ही हुए हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो स्कूल था इसका वहाँ आरटीआई लगाई, और आरटीआई में जवाब आ गया मेरे को, और उसमें क्या आया कि ये दोनों दिन ही स्कूल में प्रेजेंट थी। तो मेरा क्या हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो हाई हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि ये जो है जो बोल रही है ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि प्रेजेंस इसकी मार्क नहीं हो सकती थी अगर स्कूल नहीं गई होती। तो फिर आगे हम विक्टिम के बयान पर, तो इसने कोर्ट में बयान दिया कि उस डेट को, जो पहली डेट थी, मैं किताबें लेने गई थी अपने कमरे में जो ओल्ड हाउस में था, और जो अक्यूज्ड था वो पहले से ही वहां मौजूद था। उसने जैसे ही मुझे देखा, मैं इस कमरे में गई, ये इस कमरे में बैठा हुआ था, तो जैसे ही मुझे इसने मुझे अंदर जाते हुए देखा, है पीछे से आया, इसने दरवाजा बंद किया और मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया। लेकिन इसने मुझे धमकी दी थी कि किसी को बताएगी तो जान से मार दूंगा, तो मैंने किसी को नहीं बताया। और फिर इसने आगे बोला कि उसके बाद भी जब इसने अटेम्प्ट किया तब भी इसने मेरे साथ ही किया, और सिचुएशन वही थी जो हमने फिर इससे क्रॉस में पूछा। क्रॉस क्या था हमारा, वो देखिए, हमने पूछा कि उस दिन तो आप स्कूल में थे, तो इसने इनकार कर दिया कि मैं स्कूल में नहीं गई थी, मैं घर पर ही थी। तो हमने पूछा आप स्कूल क्यों नहीं गए थे, तो इसने जवाब दिया कि मुझे स्टोमेक में स्टोन की पेन थी, मतलब पथरी की प्रॉब्लम थी, तो मेरे पेट में दर्द था इसलिए मैं स्कूल नहीं गई। और हमारे पास जो रिकॉर्ड आ चुका था उसमें ये स्कूल में प्रेजेंट थी। जो दूसरा हमने इससे सवाल पूछा कि साथ में कितने घर हैं, तो इसने बोला कि घर तो साथ साथ ही हैं, 150 मीटर की दूरी पर चाचे ताए सबके घर हैं, और सबके बच्चे हैं वो भी वहीं रहते हैं घरों में। और जब हमने पूछा कि दादा दादी कहाँ थे, तो उसने बोला कि दादा दादी भी उस दिन घर में थे। फिर जो हमने पूछा कि जो घर जो मेन एंट्रेंस था घर का, वो एक ही था कि अलग अलग थे, उसने बोला एक ही था। फिर हमने पूछा कि जो इसका आपका कमरा है उसके लिए रास्ता कहाँ से जाता है, दादा दादी का कमरा कहाँ है, तो
उसने बोला कि मेरे कमरे में जाने के लिए, जहां मैं गई थी, जहां इसके साथ रेप हुआ, उस कमरे को जाने के लिए दादा दादी के कमरे से होकर ही जाना पड़ता है। तो हमने पूछा दादा दादी कहाँ थे, तो इसने जवाब दिया कि दादा दादी उस टाइम बाहर थे 12 बजे। तो गर्मियों का मौसम था, धूप सेकने तो जाना नहीं था, वो भी घर में थे और साथ में और रिलेटिव भी थे। फिर हमने पूछा कि आपकी दोनों परिवारों की आपस में बनती है या नहीं बनती है, तो मना कर दिया। फिर हमने पूछा कि तुमने जब इसने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो शोर मचाया है, कुछ ऐसा किया, तो उसने बोला कि इसने मेरा मुंह बंद कर रखा तो मैंने शोर नहीं मचाया। तो एज का भी इनका इतना बड़ा गैप नहीं था, थोड़ा बराबर ही एज के थे, थोड़ा 2-3 साल का ही फर्क था, 3-4 साल का। लेकिन ये जो अपनी स्टेटमेंट है उसमें ही कंफ्यूज हो गई, बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाई अपनी। कि वैसे तो आपको पता ही होगा कि प्रोसिक्यूशन जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, विक्टिम है, इसकी स्टेटमेंट ही काफी है अक्यूज की सजा के लिए। तो ये इस तरह से अपने बयान में टूट चुकी थी जो मैंने आपको बताया। स्कूल की दूरी पूछी उससे, तो स्कूल इसने बोला कि लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, और स्कूल की टाइमिंग भी इसने 9 से 3 बजे की बताई। तो जो घटना थी वो सारी इम्पॉसिबल हो चुकी थी। तो ये था हमारा इससे क्रॉस। जो इसके बाद जो नेक्स्ट विटनेस थी वो थी इसकी मदर। मदर से भी हमने ये सारे सवाल पूछे, और FIR पहले क्यों नहीं कराई जब 5 बार इंसिडेंट थी, तो वो भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाई। और जब पूछा कि जो आपकी आपस में दोनों परिवारों की नहीं बनती है, तो उसने बोला हाँ ठीक है नहीं बनती है, और झगड़ा भी हुआ है, और सारी चीजें जो है वो यहाँ हमारी सर फेवर में चलती गई। तो दोस्तों उसके बाद जो मेन विटनेस था वो था डॉक्टर। तो डॉक्टर ने भी सवाल में वो ही बोला कि जो हाइमन था और रप्चर था, पर जब हमने उससे क्रॉस में पूछा तो क्रॉस में उसने बोला कि ये तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से भी रप्चर हो सकता है, तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। बाकी जो रही रिपोर्ट RFSL लेबोरेटरी की रिपोर्ट, तो उसमें जो था वो सीमन तो डिटेक्ट हुआ था लेकिन विक्टिम के कपड़ों पर, लेकिन वो मैचिंग की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी उसमें कि वो जो अक्यूज्ड है उससे सीमन से मैच करा था या उसके ब्लड से मैच करा था, तो वहाँ भी बेनिफिट ऑफ डाउट रह गया। तो अब इसके बाद जो मेन विटनेस से बचता है वो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उससे भी हमने पूछा कि देखो ये जो वर्किंग डे है इसमें ये स्कूल में थी, तो आपने ऐसा स्कूल का कोई रिकॉर्ड लिया? इसने स्कूल का कोई रिकॉर्ड नहीं लिया हुआ था। इसने जैसे इन्होंने बोला इनकी स्टोरी पे ही विश्वास किया, और डिले के बारे में पूछा तो वो भी कोई आंसर नहीं दे पाया। और हमने पूछा कि वहाँ जो घर आस पास है उनके आपने पूछताछ की, तो उसने बोला नहीं। तो जो दादा दादी थे उनसे पूछताछ की, हाँ जी वो तो उसको बोला पूछताछ तो की थी, लेकिन फिर हमने पूछा कि उनको विटनेस क्यों नहीं लगाया, तो कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाया। तो उसने यही बोला कि मैं जो रिश्तेदार थे उनमें से किसी को गवाह नहीं लगाया हुआ, यानी कोई गवाह और नहीं था सिर्फ विक्टिम की फैमिली के अलावा, कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं था। फिर जो रास्ते के बारे में पूछा कि घर का जो एंट्रेंस है, तो उसने भी वही बात बोली कि पहले दादा दादी का कमरा है, तो इसने भी बोला कि हाँ उस दिन घर में थे इंसिडेंट वाले दिन। तो इंसिडेंट का होना जो डेट एंड टाइम बताया था वो बिल्कुल इम्प्रोबेबल था, किसी भी तरह से नहीं लग रहा कि उस डेट को ऐसी कोई इंसिडेंस हुई है, घटना हुई है। तो इसके बाद जो आती है बारी डिफेंस एविडेंस की, तो हमने इसमें
डिफेंस दिया, क्योंकि आरटीआई के तहत हम डॉक्यूमेंट हासिल पहले कर चुके थे। तो हमने जो स्कूल का प्रिंसिपल था उसको विटनेस कॉल किया एज ए विटनेस, तो उसने ओरिजिनल रिकॉर्ड लगा के लाया था जो हमने उससे मंगवाया था, उसमें सारा शो करके हमारे जो आरटीआई के डॉक्यूमेंट थे वो एग्जिबिट हो गए और उसने बोला कि ये बिल्कुल सही है और इस डेट को ये स्कूल में ही थी विक्टिम पूरा टाइम। तो इस तरह से जो केस था वो प्रोसिक्यूशन का केस बिल्कुल वीक हो चुका था, क्योंकि सारे फैक्ट्स जो थे वो हमारी फेवर में ही थे। तो अब आती है बारी कोर्ट की। हमने एविडेंस सारी लीड कर दी, सब हो गया। अब कोर्ट ने बहस सुनी, हमने बहस भी कर दी कि ये तो बिल्कुल इम्प्रोबेबल स्टोरी है प्रोसिक्यूशन की, क्योंकि जो डेट एंड टाइम इन्होंने बताया उस डेट एंड टाइम को जो स्पॉट बताया वहाँ विक्टिम मौजूद ही नहीं थी, तो घटना कैसे हुई। तो कोर्ट ने बहुत अच्छी जजमेंट पास की। तो जो फर्स्ट ड्यूटी थी कोर्ट की वो थी चार्ज फ्रेम हो गया, फिर बहस के आर्गूमेंट के टाइम एविडेंस हो गई, तो जजमेंट के टाइम कोर्ट ने जो पहला पॉइंट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ विक्टिम, क्योंकि हमारा एज पे कोई डिफेंस नहीं था, ना हमने कुछ ऐसा लिया था, तो कोर्ट ने एज कैसे डिटर्मिनेट करते हैं। तो इसमें आप जरा सोचिए कि बेस्ट एविडेंस क्या है एज की, डेट ऑफ बर्थ की बेस्ट प्रूफ क्या है। तो जो कोर्ट की जजमेंट है कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से दी है। बहुत केस डिस्कस करने के बाद सेक्शन 96 जुवेनाइल जो एक्ट है उसका कहता है कि जो फर्स्ट, जो सोचिए जरा आप क्या होगा, शायद हो सकता है जो मैंने बताना वही आपने सोचा हो। तो पहला जो प्रूफ है फर्स्ट एक्ट है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, दैट इज द बेस्ट एविडेंस। अगर ये है तो फिर किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं है, अगर ये नहीं है तो फिर आया ग्राम पंचायत का बर्थ सर्टिफिकेट। सेकंड ये है, अगर ये भी नहीं है तो फिर आता है थर्ड जो है वो है ओसिफिकेशन टेस्ट, ये मेडिकल टेस्ट होता है, इससे एज डिटरमिन होती है। तो इसका तो हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं था। अब बारी आती है कोर्ट की जजमेंट की। तो इसके बाद कोर्ट ने भी जो हमने पॉइंट क्रॉस में डिस्कस किए आपके साथ अभी तक डिस्कस किए, वही कोर्ट ने भी सारे डिस्कस किए कि क्योंकि प्रोसिक्यूट्रिक्स का होना ही पॉसिबल, प्रिजेंस इम्पॉसिबल हो गई वहां पर, तो उस तरह से फिर जो अक्यूज्ड था वो अक्यूटल हो गया पोक्सो में। और तो दोस्तों यही था हमारा आज का केस, जो रेप केस है पोक्सो में, और धमकी वाला भी था 506, क्योंकि धमकी का कोई इन्वेस्टिगेशन करी नहीं थी तो इस तरह से उसका कोई सवाल ही नहीं रह गया था, तो इस तरह से कोर्ट ने उसको एक्यूटल कर दिया था। तो ठीक है दोस्तों, हर संडे को हम ऐसा ही नया कुछ केस डिस्कस करेंगे या नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और कमेंट में बताइए मुझे अगर आपको कुछ और जानना है, तो हम वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए मेरे साथ, बाय।